हे गाइज वेलकम फैनाटिक्स गेमिंग, दिस इज रितिका एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो पबजी। सो गाइज ब्लू होल मोड जो है फाइनली आ चुका है पबजी मोबाइल के अंदर, एंड उसके बारे में कुछ अचीवमेंट भी है और उसके लिए कुछ टिप्स मैं देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सो बेसिकली यहाँ पे दो जोन्स होने वाले हैं, एक तो जो आउटर जोन नॉर्मल ब्लू जोन होता ही है और एक जो है पर्पल जोन अंदर वाला है। पर्पल जोन से आपको स्टार्टिंग से ही दूर रहना है क्योंकि वहाँ पे आप जैसे ही एंटर होगे सो आपको जैसे ही एंटर होते ही, जैसे आप पैराशूट खोल के उतरोगे तभी से ही डैमेज लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको पर्पल जोन से तो पहले से ही दूर रहना है। अब यार अगर आपको अचीवमेंट कंप्लीट करनी है तो यार एक बात को समझना पड़ेगा, अचीवमेंट में लिखा है दैट यू हैव टू विन द मैच। अब बाकी सबके दिमाग में यही चल रहा है कि जोन बना हुआ है और हमें वाइट जोन के अंदर ही उतरना चाहिए, पर्पल जोन के बाहर उतरना चाहिए, ये सभी के माइंड में चल रहा है और सारे इसी लोकेशन पर उतरेंगे। सो आप थोड़ा सा सेफ खेल के ये कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में वाइट जोन के थोड़ा सा बाहर उतरें और वहाँ से लूट लेके उसके बाद अंदर एंटर हो जाएं। अगर आपका जो पर्पल जोन है इस तरीके से बनता है एकदम ब्रिज के ऊपर, तो उस समय सबसे ज़्यादा बेटर यही है कि उसी समय आपको बिल्कुल हील करके एकदम भाग जाना है और वेट नहीं करना है दूसरे जोन आने का, क्योंकि अगर आपका दूसरा जोन आ गया तो आप भले आगे जाएं पीछे जाएं दोनों तरफ जोन होगा और बहुत ही गंदा डैमेज आपको पड़ेगा। सो इससे अच्छा बेटर है आप ब्रिज कैंप, इस टाइम पर होगा भी नहीं, इस जगह पर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पर्पल जोन में बहुत डैमेज होगा। तो आपका बेटर सबसे यही रहेगा कि आप हील करके स्टार्टिंग में ही निकल जाएं। अब बहुत लोगों का डाउट हो सकता है कि ड्रॉप जो है वो कहाँ पे गिरेगी, क्योंकि जो हम नॉर्मल गेम खेलते हैं उसमें तो जोन के सेंटर में गिरती है, बट यहाँ पे दो जोन्स हैं तो वो कहाँ पर गिरेगी। तो जो भी पर्पल जोन होने वाला है उसके सर्कमफ्रेंस यानी आउटर सर्कल जो भी पर्पल जोन होगा उसके जस्ट बाहर जो है आपको ड्रॉप देखने को मिलेगी। और जब आप फर्स्ट जोन पार कर जाते हैं, जैसे मैंने बोला फर्स्ट जोन में आपको बाहर उतरना है, उसके बाद जब आप अंदर आ जाएं तो ट्राई करो कि पर्पल जोन के सर्कमफ्रेंस पे ही ज़्यादातर गेम खेलो, क्योंकि बहुत लोग जो हैं बाहर से आएंगे और वो ज़्यादातर इसी जगह पे आने की कोशिश करेंगे और ड्रॉप्स यहाँ पे बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। सो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज रहेगा कि आप ड्रॉप्स जो हैं जल्दी एक्सेस कर सकते हैं और एंड सारे लोग इसी जगह पे आने की ट्राई करेंगे, तो आप अगर वहाँ पे पहले से रहते हैं तो आपको यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाएगा। अब बहुतों का क्वेश्चन ये है कि लास्ट जोन में क्या होगा, क्या वो पूरा उसमें मर्ज हो जाएगा जोन लास्ट में, या फिर एक रिंग बनेगी एंड में, उस रिंग के अंदर रहकर हमें जोन में रहना है, कि किस तरीके से क्या होने वाला है। तो जो लास्ट जोन होगा उसमें जो पर्पल जोन है वो ऑलमोस्ट लाइक वो ख़त्म हो जाएगा और जो नॉर्मल जोन जो आपको क्लासिक में, जो नॉर्मल कोई भी गेम मोड में देखने को मिलता है उस तरीके से ही देखने को मिलेगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया आपको हमेशा पर्पल जोन के सर्कमफ्रेंस पे रहना है, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जोन की वजह से आप मर रहे हो, तो ऐसा वो चीज़ कभी नहीं होगी, आप हमेशा जोन के अंदर रहोगे। तो ये चीज़ आपको एक एडवांटेज रहेगी दूसरे एनिमीज़ के अगेंस्ट और इसके थ्रू आप ये अचीवमेंट भी बहुत ईजिली कम्प्लीट कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इस वीडियो पे 110 लाइक्स का एम करते हैं, जल्दी से कम्प्लीट करवा दो, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।